हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हैं और खुश हैं। दोस्तों, आज आप सब लोगों को मैं सिखाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा बेसिकली कि आप टिकटॉक को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। ये चीज़ आपको मैं क्लियर करना चाहूँगा। टिकटॉक के थ्रू क्या अर्निंग करी जा सकती है? क्या उसके साथ करियर बनाया जा सकता है? बेसिकली मैं आज इस टॉपिक पे आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, अपने अपना एक ओपिनियन, अपना एक सजेशन, एडवाइस देना चाहता हूँ। और आप उस एडवाइस को रिजेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको किसी तरीके से, मान लीजिए अगर वो फॉल्स अगर लगती है, आपको अनफिट अगर लगती है, तो आप उसको रिजेक्ट करने का आपका पूरा अधिकार है। एक इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से डिलीवर करना चाहूँगा, बस आपको इन्फॉर्मेशन के तरीके से लीजिएगा। ओके, वेल लेट्स स्टार्ट। टिकटॉक देखिए क्या है, एक तरीके का एप्लीकेशन है, जैसे आप यूट्यूब चलाते हैं ना, एकदम उसी तरीके की एक एप्लीकेशन है। लेकिन यूट्यूब और टिकटॉक में बहुत डिफरेंस है। इस पे एक हमने एक वीडियो बनाई हुई है, आई एन यू कैन गो टू विजिट टू सी दैट वीडियो इन माई प्ले लिस्ट। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, टिकटॉक यूट्यूब में बहुत डिफरेंस है। रही बात टिकटॉक को चला के करियर बनाने की, तो उसके लिए देखिए क्या है कि टिकटॉक एक एप्लीकेशन है जिसमें आपको पैसे बनाने के लिए कुछ बहुत काम नहीं करना होता है। लोग आज के टाइम में क्या करते हैं कि 10 से 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड की वीडियो बना करके एक किसी सॉन्ग को लिपसिंग करके उसको टिकटॉक की एप्लीकेशन में अपलोड कर देते हैं और उससे उनकी ऑडियंस अगर जुड़ती जाती है। देखिए इसमें क्या है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस जोड़ना है तो आपको कुछ ऐसा क्रिएटिव करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जो पब्लिक को पसंद है। और आपसे जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाते हैं तो क्या होता है कि आपको लोग पसंद करते हैं, जो आपको पसंद करता है, जो आपकी वीडियोस को पसंद करता है, आपकी जो शॉर्ट क्रिएटिविटीज है उनको जो पसंद करते हैं, जो लाइक करते हैं, वो क्या करते हैं कि कुछ कॉइन्स को खरीदते हैं। टिकटॉक पे एक इस एप्लीकेशन पे अवेलेबिलिटी होती है, ये एक फैसिलिटी होती है जिससे हम लोग कॉइन्स को परचेज कर सकते हैं। एंड आफ्टर दैट दे डोनेट दीज कॉइन्स टू दोज टू होम दे लाइक। डू यू अंडरस्टैंड? मैं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? बेसिकली हाँ ये होता है कि कॉइन्स को खरीद करके एक जगह से, जैसे सपोज करिए ये ए है और ये बी है, ए की वीडियोज़ बी को बहुत पसंद आती हैं, तो ए की वीडियोस को बी बहुत ज़्यादा पसंद करता है, तो बी क्या करेगा, बी अगर ए को सपोर्ट करना चाहता है तो बी क्या करेगा कि क्वाइंस कुछ खरीदता है और क्वाइन खरीदने के बाद इसके अकाउंट में उसी एप्लीकेशन के थ्रू डोनेट कर देता है और इसके पास, ए के पास वो क्वाइंस आ जाते हैं और वो क्वाइंस को ये एक्सचेंज करा सकता है मनी में। आप समझ रहे हैं मेरे को? तो इस तरीके से ए के पास कैश आ गया। तो ये जो बी ने किया है ए के साथ, ये काम ए के लिए कई लोग कर सकते हैं जिनको जिनको इसकी वीडियोस पसंद आती हैं। इस तरीके से ए के पास बहुत सारा मनी हो सकता है, समझ रहे हैं ना? इसी तरीके से लोग कमाते हैं टिकटॉक पे, और कोई तरीका नहीं। ओके, रही बात इसके एप्लीकेशन की, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, टिकटॉक is not good as YouTube or other applications. थोड़ा सा यहाँ पर reputation down है, you know why? Because people use this in bad ways. लोग इसका misuse करते हैं एक तरीके से, और misuse किसी का नहीं करना चाहिए। एक्चुअली टिकटॉक पे अगर जो लोग, क्या है ना कि आपको ऑडियंस जोड़नी है तो आपको ऑडियंस जोड़ने के लिए आप सीधे सारे काम को करने का, आपको 15-20 सेकेंड में आप कोई ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जिससे लोगों को जोड़ सकते हो। लेकिन हाँ, कुछ गलत काम लोग करते हैं इस चीज़ को यूज़ करके, और उस गलत काम कर करके लोग ऑडियंस को जोड़ पाते हैं अपने साथ। ठीक है, गलत काम का मतलब पोर्नोग्राफी प्रमोट करना, कुछ गलत गलत वीडियोज़ प्रमोट करना, अपलोड कर देना, तो इस तरीके के लोग यहाँ पे होते हैं। बाकी आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आप किस तरीके के हैं, किस तरीके की कैटेगरी में आप आते हैं। यू नो बेटर, राइट? सो ऑन दैट बेसिस यू हैव टू चूज टू ऑप्शंस, either you have to go for that TikTok or you don't have to go, right? तो मेरा जो टॉपिक था आज का, वो मैंने आपको शॉर्ट लेंथ में मैंने क्लियर कर दिया, बता दिया। एंड आगे का डिसीजन, योर डिसीजन इज देयर, वट एवर यू वॉन्ट यू गो फॉर दैट, राइट? तो आई होप कि दिस वीडियो इज़
helpful for you, आपने कुछ इससे समझा सीखा, एंड इफ दिस इज सो देन प्लीज मेक श्योर टू लाइक माई चैनल एंड माई वीडियोज, एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू पीपल हु आर विलिंग टू लर्न सच काइंड ऑफ थिंग्स, राइट? ओके, आई विल सी यू ऑल गाइज इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय.